फाइनेंशियल मार्केट में करियर की हम डिस्कशन कर रहे थे इन माई लास्ट वीडियो. आज हम फाइनेंशियल मार्केट में एक और सेगमेंट है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो डेरिवेटिव्स होता क्या है, डेरिवेटिव्स के बेसिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको डेरिवेटिव्स के बारे में एक आइडिया हो जाए. हेलो, वेलकम टू माई चैनल बी विथ मिश्रा जी. आई एम अमरेंद्र मिश्रा. आई होप कि इससे पहले जो भी हमने वीडियो बनाए वो सारे आपने देखे होंगे और उससे आपको फाइनेंशियल मार्केट और जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा. तो आज हम बेसिकली जो डेरिवेटिव्स होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. डेरिवेटिव्स होता क्या है? डेरिवेटिव्स बेसिकली एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है. डेरिवेटिव इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज़ डिराइव्स फ्रॉम सम अंडरलाइंग वैल्यू. यानी कि डेरिवेटिव एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कोई ना कोई अंडरलाइंग होना ज़रूरी है. तो इसमें क्या होता है, जे नॉर्मली डेरिवेटिव्स का यूज़ क्या है कि डेरिवेटिव्स बेसिकली यूज होता है किसी ना किसी प्रोडक्ट्स के रेप्लिका के हिसाब से. यानी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और उस प्रोडक्ट को मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहता हूँ और बाई चांस अगर उस प्रोडक्ट में सपोज कोई फाइनेंस स्पेशली यूज होता है फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जैसे इक्विटी शेयर, कमोडिटीज़, इस टाइप के प्रोडक्ट्स में यूज होती है. तो डेरिवेटिव्स बेसिकली एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज विल बी वैलिड फॉर एक लिमिटेड पीरियड. तो डेरिवेटिव का भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिडिटी होती है. तो डेरिवेटिव जो होता है किस किस चीज़ के होती है, डेरिवेटिव इक्विटी शेयर के भी डेरिवेटिव हो सकता है, मेटल के हो सकता है यानी कि कॉमोडिटीज़, इंटरनेशनल कॉमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, टीन, लेड, इस टाइप के प्रोडक्ट्स में हो सकती है. इवन जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक अमेरिका जैसे कंट्री में वेदर यानी कि जो आबोहवा होता है उसके ऊपर भी डेरिवेटिव होता है. डेरिवेटिव करेंसी का भी डेरिवेटिव होती है जो अपना फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज लाइक डॉलर, यूरो, जापानी येन, इस टाइप के प्रोडक्ट के भी डेरिवेटिव होती है. तो डेरिवेटिव बेसिकली किस 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 के होगी ये हमें समझ में आ गए. यानी कि कोई मेटल जो होता है उसका भी हो सकता है, एनर्जी उसका भी हो सकता है, जैसे क्रूड ऑयल एनर्जी में आती है, आपके नेचुरल गैस उसका भी डेरिवेटिव्स होता है. इसके अलावा एग्रो कमोडिटी जैसे गुड़, चना, व्हीट, राइस, इसके भी होती है. इसके अलावा आपके फाइनेंशियल एसेट्स, बेसिकली डेरिवेटिव्स का मेन जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल एसेट्स का रिस्क मैनेज करने के लिए होता है. तो डेरिवेटिव्स इंडिया में जो स्टार्ट हुई है, निफ्टी और सेंसेक्स में डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ है जून 2000 में, यानी कि फ्यूचर. और ऑप्शन जो है इंडेक्स में ऑप्शन स्टार्ट हुआ है जून 2001, और जो स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक के जो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है दैट इज़ ऑन जुलाई 2001. तो ये सारे प्रोडक्ट्स में जो डेरिवेटिव्स यूज होती है, डेरिवेटिव्स के बेसिक क्या क्या प्रोडक्ट्स है, डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और एक होता है स्वैप. फॉरवर्ड बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड उस टाइप के डेरिवेटिव जो दो पार्टी में आपस में बैठ के फ्यूचर डेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, एग्जांपल के तौर पर नॉर्मली जो बड़े बड़े आम के बागीचा होता है, सपोज़ यूपी में बड़े सारे आम के बागीचा होता है लोगों के घर में, तो जब बागीचा उनके फलन होता है यानी कि जब उसके जस्ट फ्लावर आते हैं तो बागीचे के ओनर जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना उसमें एंड रिजल्ट आएगा यानी कि फल कितना आएगा. प्लस उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो वो एक्सपेक्ट करता है उतना फलन ना हो क्योंकि बिकॉज ऑफ कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कुछ कीड़ा काट जाए जिस वजह से उसको नुकसान हो सकता है. उस टाइप के नुकसान से वो कैसे बच सकता है, उस टाइप के नुकसान से बचने के लिए कोई ना कोई व्यापारी को बुला के लाते हैं. यानी कि जो लोग इस टाइप के काम करते हैं कि किसी के बागीचा पूरा खरीद लिए और बाद में जब फलन आती है तब उसको जब एंड रिजल्ट आया यानी कि पूरा प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को वो मार्केट में बेच देते हैं. तो दोनों पार्टी एक व्यापारी हो गए और एक जो बागीचे के ओनर है, दोनों बैठ के एक डिस्कशन कर लिए कि ये मेरा बागीचा है इसका मुझे क्या रेट आप देते हो. तो व्यापारी ने सपोज़ कोई भी एक रेट लगाया हुआ है और
उसमें क्या होता है कि इसके बीच में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई कीड़ा काट जाए, कुछ भी हो जाए, उसके वजह से जो नुकसान होगा वो जो फार्मर है उसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो नुकसान नहीं उठाएगा, वो उठाएगा व्यापारी। व्यापारी ने इस रिस्क में उठाया, व्यापारी को अंदाज़ा है कि इससे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे ज़्यादा फलन मुझे मिलेगा, तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। और जो किसान है उसको जो रिस्क हो सकता है उस रिस्क से वो बच सकता है। तो इसीलिए बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की इजाद हुई है, यानी कि इन्वेंशन हुआ है फॉरवर्ड यानी कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों पार्टी आपस में बैठ के इस टाइप के फ्यूचर डेट में डिलीवरी देने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जब स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जब होगा तब हम उसको बोलेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दोनों सेम चीज़ बट दोनों की मार्केट डिफरेंट है। अब आते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन बेसिकली चॉइस। जैसे डेरिवेटिव्स होता है, नॉर्मल डेरिवेटिव में क्या होता है, जो फ्यूचर में उसमें आपके रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, रिवार्ड भी अनलिमिटेड होता है, जाहिर सी बात है। तो आपके पास ऑप्शन के फॉर्म में एक टाइप का और चॉइस आ जाती है जिसके थ्रू आप अपना रिस्क को लिमिटेड कर सकते हो, बट जो रिवार्ड है उसको आप अनलिमिटेड कर सकते हो। तो यानी कि आपके पास एक चॉइस है जिसके थ्रू आप रिस्क लिमिटेड और रिवार्ड अनलिमिटेड करते हो, जो बायर होता है, ऑप्शन का जो होल्डर होता है। ऑप्शन दो टाइप के होती है, एक तो हो गया कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन नॉर्मली उस टाइम लोग परचेज करते हैं जब उनको सोचते हैं कि जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट है यानी कि जिसका डेरिवेटिव है, अंडरलाइंग प्रोडक्ट आने वाले दिन में ऊपर चला जाएगा, तो कॉल ऑप्शन परचेज करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। अगर वो सोचते हैं कि अंडरलाइंग प्रोडक्ट आने वाले दिन में गिर जाएगा यानी कि नीचे चला जाएगा, तो वो पुट ऑप्शन परचेज करेगा। एक और प्रोडक्ट है डेरिवेटिव में, दैट इज कॉल्ड स्वैप। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं। मार्केट में बेसिकली तीन टाइप के पार्टिसिपेंट होता है, एक तो हो गया आपके हेजर, दूसरा है स्पेकुलेटर और ट्रेडर, और तीसरा है आर्बिट्रेजर। हेजर किसको बोलते हैं? हेजर बेसिकली उस टाइप के पार्टिसिपेंट है जिसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ अंडरलाइंग में उसको एक्सपोजर है। नॉर्मली जैसे इक्विटी प्रोडक्ट्स में बोलता हूँ कि सपोज यू आर हैविंग 1000 ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, या करंट मार्केट प्राइस अगर 1500 रुपये के है तो 15 लाख के आपके पास अंडरलाइंग वैल्यू के स्टॉक है। अब क्या है कि कोई भी न्यूज के वजह से ये स्टॉक का वैल्यू गिर सकता है, बट आपने जब स्टॉक खरीदा और आपके जो इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए जो मकसद है वो कि आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इक्विटी जो है लॉन्ग टर्म तक आपको रिटर्न देते हैं, तो आपने क्या किया, आपने स्टॉक को होल्ड करता रहा, बट टाइम टू टाइम बीच में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, इंटरनेशनल कोई भी रीज़न हो सकता है, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में सेलिंग आती है यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, आपके जो होल्डिंग का वैल्यू जो है वो गिर जाता है। तो उस होल्डिंग के वैल्यू को, ताकि आपके जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका जो फ्यूचर या फिर ऑप्शन यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है उस प्रोडक्ट में आप रिवर्स पोजिशन बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके बाइंग पोजीशन है, वहाँ पे आपने सेलिंग पोजीशन बना दी। अब स्टॉक गिर गए, इसमें क्या होगा, स्टॉक में वैल्यू डाउन हो गए, बट जो डेरिवेटिव है उसका भी वैल्यू डाउन हो गए, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको लॉस, वहाँ पे आपके प्रॉफिट, अल्टीमेटली आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो पोजीशन जो लोग मार्केट में यूज करते हैं उसको बोलते हैं हेजर, यानी अपना रिस्क को मैंने हेज कर दिया। अब स्पेकुलेटर या फिर ट्रेडर कौन होता है, वो लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उनको कोई अंडरलाइंग जो पोजीशन होता है उसमें कोई उनके एक्सपोजर नहीं होते, वो जस्ट मार्केट को रीड करते हैं, मार्केट को रीड करते हुए उसी हिसाब से वो मार्केट में रिएक्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट विल गो अप तो पोजीशन बाय कर लेगा, अगर उनको लगता है मार्केट विल गो डाउन तो सेल कर देगा, इससे जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं और निकल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ जो पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड स्पेकुलेटर। अब आते हैं आर्बिट्रेजर कौन होता है। आर्बिट्रेजर भी एक टाइप के पार्टिसिपेंट है। ये क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट, सपोज दो मार्केट है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूँ कि एनएससी और बीएससी, यानी कि उसी प्रोडक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनएससी में एक प्राइस है और बीएससी में एक प्राइस है, जहाँ पे सस्ता है वहाँ से खरीद लेगा और जहाँ पे महंगा है वहाँ पे बेच देगा, तो उसके पोजीशन वैसे बराबर है बट उसके जो प्राइस डिफरेंस जो मिल गया उसके थ्रू उसके एक अर्निंग हो जाती है। तो ये जो हो गया आपके बेसिकली मार्केट का जो है पार्टिसिपेंट। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ
सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का बेसिक यूज़ क्या है कि ये आपको प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, प्लस रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि सपोज जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट में जिन्होंने पोजीशन बना रखा है उनको जो रिस्क है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर जो स्पेकुलेटिव ट्रेडर जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में काम करते थे वो ऑर्गेनाइज मार्केट में आके काम करते, इस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब रिस्क क्या क्या है, एक तो रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि सामने वाले के जो पोजीशन है हो सकता है जब उसको नुकसान हो जाएगा वो जब मैच्योरिटी के टाइम आएगा तब वो हो सकता है उसको ऑनर ना करे, तो इस टाइप का रिस्क होता ही है एवरीवेयर। तो इस टाइप को रिस्क को कंटेन करने के लिए यहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशन आते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है काउंटर पार्टी गारंटी देते हैं। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। तो जब भी कोई इन्वेस्टर डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करने जाते हैं उनको एक स्टैंडर्ड जो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें साइन कराया जाता है, वहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया हुआ है कि एक डेरिवेटिव में क्या क्या रिस्क है वो सारे स्टडी करते हैं, उसके बाद वहाँ पे साइन करते हैं, यानी कि आपने उसको अंडरस्टैंड करा तो उसको करके साइन करते हैं। तो बेसिक डेरिवेटिव जो है ये होता है। तो आने वाले दिन में मैं और भी वीडियो बनाऊँगा जिसपे डेरिवेटिव जो NISM का सीरीज 8 है इसमें जो चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, सो दैट आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो को, मुझे लगता है कि अब तक जो हमने नॉलेज प्रोवाइड किया हुआ इसमें आपने काफ़ी सारे जानकारी आपको मिली होंगी, और आई होप कि आपको आने वाले दिन में और भी हम बेटर वीडियो प्रोवाइड करा सके। तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए सो दैट आने वाले दिन में और भी जो वीडियो आएगा वो आपको मिल जाए आसानी से। टिल देन बाय एंड थैंक यू।